हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सॉफ्ट कुलचे की रेसिपी। और इन कुलचों को आप बनाकर फ्रिज में 3 से 4 दिन तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। और वो कैसे स्टोर करके रखेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन कुलचे की रेसिपी बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिए हैं 400 ग्राम के लगभग मैदा है ये। इसको मैंने पहले अच्छे से छान लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। अब हम 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच खाने वाला तेल। तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है 2 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक आप इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा। 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने दही डाला है, लगभग 100 ग्राम दही की मात्रा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए और आप इसको बिल्कुल सॉफ्ट गूंद कर तैयार कीजिएगा। आपको इसको जरा भी हार्ड नहीं गूंदना है, इसको सॉफ्ट ही आप रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डो है बिल्कुल गूंद कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे, क्योंकि गर्मी का समय है तो 2 घंटे पर्याप्त हैं इसे रेस्ट देने के लिए। मैंने यहाँ 2 घंटे इसे रेस्ट पर रखा है। चलिए 2 घंटे बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से दोबारा से गूंद लेंगे। तो आप इसे इस तरीके से अच्छे से गूंद लीजिए, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। इसी तरीके से आपका डो भी सॉफ्ट होना चाहिए और आप इसे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा रखने में इसके टेस्ट पर फर्क आ जाता है। वैसे भी गर्मी का समय चल रहा है तो देखिए बहुत सॉफ्ट है। अब आगे का प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक पेड़ा बना लिया है और इसे आप थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करके चकले पर रख लीजिए। तो यहाँ मैंने मैदे की डस्टिंग कर ली है और इसके ऊपर हम इसे रख देंगे। और ऊपर से मैं इसमें थोड़े से कलौंजी डाल रही हूँ, आप इसे काले तिल भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसे हाथों से इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। अब ऊपर से हम थोड़ा सा मैदा और डस्टिंग करेंगे और अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप इसे हल्के हल्के से बेल लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और हम इसे बिल्कुल पतला नहीं बेलने वाले हैं, थोड़ा सा हम इसको मोटा ही रखेंगे। तो आप इसे थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, देखिए इस तरीके से। अब हम इसे धीरे से हाथों पर ले लेते हैं और चलिए अब हम इसे सेक लेंगे। तो हम इसे सेकने वाले हैं पैन पर। तो यहाँ मैंने पैन को गर्म कर लिया है, इसके ऊपर मैंने यहाँ हमारा जो कुलचा है इसको डाल दिया है। और एक तरफ जब ये पक जाएगा तब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो देखिए हम इसे एक तरफ पकने देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है। पलटकर दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसे अभी हमें पूरा नहीं पकाना है, दोनों तरफ से हम इसे सिर्फ 80% ही पकाएंगे। तो आप इस तरीके से इसे पका लीजिएगा। दूसरी तरफ भी हम इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। तो देखिए इस तरफ पर कितना बढ़िया इसका रंग आ गया है, आप देखिए कितना अच्छा हमारा कुलचा देखने में लग रहा है। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे डालेंगे। देखिए इस तरीके से साइड से आप पानी के छींटे डालिए और इसे किसी ढक्कन से ढक दीजिए और 1 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। 1 मिनट आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 मिनट बाद मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ। देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारा कुलचा बिल्कुल सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से कुलचा। तो इस तरीके से हम सारे कुलचे बना लेंगे। और इन कुलचों को मैंने 80% ही पकाया है और जब इसे हम दोबारा खाने के लिए जब भी सर्व करना होगा तो हम इसे दोबारा से गर्म करेंगे तो ये पूरा पक जाएगा। और इसमें आप बटर या घी लगा के सर्व कर सकते हैं इस तरीके से। और मैंने आपसे कहा था कि आप इसे स्टोर कर सकते हैं, तो जी हाँ, 80% आप इसे पकाकर किसी भी फॉइल में रैप करके, एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर लीजिए या किसी पॉलीथीन में आप इसे अच्छे से पैक कर लीजिए और फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन। और जब आपको खाना हो इसे तवे पर निकाल के गर्म कीजिए, बढ़िया से सेकिए, इसमें बटर या घी जो आप लगाना चाहते लगाइए और बढ़िया गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया इनका फ्लेवर आता है, तो आप इसे घर पर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया ये कुलचे बनते हैं। और यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।